नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उमेश और मैं हूँ ग्राम दुर्गपुरा से। और आप देख सकते हो ये हमारी दो छतें हैं और बीच में छत का जॉइंट है। और यहाँ पर दोनों छत के जॉइंट के बीच में से हमारे घर में एक समस्या पैदा हुई थी कि घर की जो दीवार है उसके ऊपर पानी रिसने लग गया था। तो आज हम यहाँ के ऊपर वाटर प्रूफिंग करने वाले हैं। वाटर प्रूफिंग के लिए हम एक प्रोडक्ट लेके आए हैं, तो आज उसको इसके ऊपर अप्लाई करने वाले, जिससे कि हमारे घर की जो वाटर लीकेज की प्रॉब्लम है दोनों छतों के बीच में से वो ख़त्म हो जाए। तो आप देख सकते हो हमने अभी इस जगह को, जो जगह जहाँ पर हमें इसको अप्लाई करना है, इसे पूरी तरह से साफ़ कर लिया है। वैसे और भी हम इसे ब्रश की मदद से जो छोटे छोटे दाने हैं इनको हम साफ़ कर देंगे। देन उसके बाद केमिकल को हम अप्लाई करने वाले हैं। ये जो छत है हमारी, ये काफ़ी दिन पहले डली थी, उसके कुछ सालों बाद हमने ये छत डाली थी। तो यहाँ पर जॉइंट रह गया, उस जॉइंट की वजह से हमें ये दिक्कत आ रही है। अंदर की मदद से और भी साफ़ कर लेते हैं, जिससे कि अंदर जो रेत वगैरह थोड़ी बहुत बची गई वो पूरी तरह से बाहर निकल जाए। अभी हमारी सरफेस जो है पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो चुकी है कोट अप्लाई करने के लिए वाटर प्रूफिंग का। और ये है हमारा वो प्रोडक्ट, नाटो लेटेक्स एडवांस, जो कि स्टायरीन ब्यूटाडीन रबर बेस्ड एडवांस बॉन्डिंग एजेंट के रूप में बनाया गया है। इसे बनाने वाली कंपनी है राजस्थान केमिकल्स के नाम से, जन सागु निकला आदमपुर भोपाल, भोपाल की ये कंपनी है। और चलिए इसके ऊपर क्या क्या दिया हुआ है, किस तरह से इसको अप्लाई करना है, एक सावधानी रखनी वहाँ पर देख सकते हैं। ऊपर दिया गया है कि मिक्स क्वालिटी 1 लीटर ऑफ नाटोलेटेक्स एडवांस 3 लीटर एक्सटीरियर पेंट और 3 kg सीमेंट एंड 2 लीटर ऑफ वाटर द मिक्सचर। यानी कि हमें इसके अंदर या तो 3 लीटर एक्सटीरियर पेंट मिलाना या फिर 3 kg सीमेंट और 2 लीटर वाटर का घोल बनाना है। उसके बाद ये हरी सी लिखी हुई है जो कि हमने कर दिया है। उसके बाद 2 कोट अप्लाई करने का बोला है एट द इंटरवल ऑफ 2 आवर्स। तो या तो हम इसे आधा मिला करके 2 बार घोल तैयार कर लेंगे, फिर 1 बार में रेडी कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इसका मिक्सिंग प्रोसेस। सभी आप देख सकते हो हमारा जो घोल है वो रेडी हो चुका है। अभी हमने इसको आधा घोल तैयार किया है, क्योंकि हमें पता है सीमेंट का जो सेटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट के बाद से चालू हो जाता है। तो हम जब 2 घंटे का लिखा हुआ है तो आधा जो घोल है 2 घंटे बाद ही बनाएंगे। तो हमने आधा घोल अभी निकाल लिया इसमें से और अभी आधा मेटल इस बॉटल के अंदर बचा हुआ है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे इसको अप्लाई करने की। ये हमारा ब्रश जिसकी मदद से हम इसको अप्लाई करने वाले हैं और कहीं डस्ट रह जाएगी तो हम उसको साथ साथ इससे साफ करते चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं।
भी आप देख सकते हो, ये हमारा पहला जो कोट है वो पूरी तरह से हमने फाइनल कर दिया है। ऐसे हमने दो बार, एक बार में किया, एक बार हमने जो क्रैक की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में अप्लाई किया, और दोबारा हम इसको कर देंगे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, यानी कि जो क्रैक है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हम इसको अप्लाई करने वाले हैं। देखते हैं ये यहाँ से यहाँ तक हमने पूरी क्रैक के अंदर इसको फिल कर दिया है। अब हम इसको सूखने का इंतजार करते हैं 2 घंटे का, जैसे कि बॉटल के ऊपर मेंशन किया कि 2 घंटे आपको वेट करना है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कोट अप्लाई करें। ये आप देख सकते हो कि हमारा जो ये वाला कोट अप्लाई किया था वो करीबन 9:45 हमने इसको ख़त्म कर दिया था, और अभी वक्त 11:55 हो चुका है समय। अब हम दूसरे कोट की तैयारी करने वाले हैं। अब देखिए हमारा मटेरियल जो बचा हुआ था, ये हमारा पानी और सीमेंट हम नीचे से लिखाएंगे, और इसके ऊपर दूसरे कोट की एप्लीकेशन स्टार्ट करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसे ध्यान रखना है कि बॉटल के ऊपर क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको, देखिए यहाँ पर मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, इस पर लिखा हुआ है प्रिकॉशन में कि स्ट्रिक्टली डू नॉट डाइल्यूट वाटर बियॉन्ड द रिकमेंडेशन। तो हम पानी की मात्रा को एक्सेस नहीं करें, हम थोड़ा पहले सीमेंट को बढ़ा लेते हैं। अभी ये 1 लीटर का डिब्बा है हमारे पेंट का, समय एक लीटर, जब हमने आधा लीटर मटेरियल यूज़ किया था इसका केमिकल, उस समय मिला लिया था 1 लीटर पानी, अब 1 लीटर पानी है अब मिलाने वाले हैं। तो नहीं क्या 2 लीटर की हमारे लिमिट है, उसको क्रॉस नहीं करने वाले। इसके अंदर कोई क्यू आर कोड है शायद के अंदर, उसके बाद में डालते हैं पानी इसके अंदर, पानी इसको करते हैं अच्छे से। तो फाइनली हमने हमारे क्रैक के ऊपर दोनों कोट अप्लाई कर दिए, एक क्रैक की दिशा में और एक क्रैक का अपोजिट दिशा के अंदर। और अब हम, यानी कि जिस तरह से उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन मेंशन किए थे उस तरीके से हमने पूरी तरह से काम कर दिया है। नाउ अब हमें इंतजार रहेगा सिर्फ बादलों से बारिश होने का। जब बारिश होती है तब हमें क्या रिजल्ट मिलता है, कि हमें लीकेज को रोक पाता नहीं रोक पाता, उसके हिसाब से हम आपको इसके रिव्यूज़ देने वाले हैं। खैर, अगर आप ये वाला केमिकल खरीदना चाहते हो तो आपको नज़दीकी शायद अपने किसी भी हार्डवेयर की दुकान पर मिल सकता है ईजिली, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। 500 के अंदर आपको ये मिल सकता है दुकान के ऊपर। तो कैसी लगी आपको वीडियो? खैर, रिज़ल्ट तो हमें बारिश होने के बाद ही मिलेगा। अगली वीडियो इसका जो पार्ट 2 है वो हम बारिश के बाद ही इनसाइड द रूम शूट करेंगे, जैसे कि हमें पता चले कि वाकई इसने अपना काम किया है या फिर नहीं किया है। अगर काम करता है तो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, अगर नहीं किया है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस चीज़ को बाय कीजिएगा। क्या कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर आप किसी में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम निकलते हैं।